क्या मांसाहारियों की पूजा प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करते हैं? मांसाहार को कभी उत्तम आहार नहीं माना गया है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और व्यवहार की दृष्टि से भी। ये स्कंद पुराण का काशी खंड है, इसके तीसरे अध्याय में आप आइए। ईश्वर के बारे में यहाँ देखिए बताया, क्व मांसम क्व श्वे भक्ति ही क्व मध्यम क्व शिवार्चनम मध्य मांस रता नाम च दूरे तिष्ठति शंकर। कहाँ मद्यपान और कहाँ शिव का भोजन, कहाँ मांस का भोजन और कहाँ शिव में भक्ति, क्योंकि महादेव तो मध्य मांस के सेवन करने वालों से दूर ही रहते हैं। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि भगवान मांसाहारी की पूजा को स्वीकार कैसे करें, क्योंकि वो तो मध्य मांस के सेवन करने वालों से दूर ही रहते हैं। मध्य मांस रता नाम च दूरे तिष्ठति शंकर। भगवान श्री वराह विष्णु भगवान के अवतार, उन्होंने पृथ्वी से प्रार्थना करने पर यह बताया कि मैं किनके ऊपर प्रसन्न रहता हूँ और किनके ऊपर प्रसन्न नहीं रहता। जाल पादम भक्षयित्वा तु यस्तु माम उपसर्पति एकोन मिंसापराधम प्रतिजानामि सुंदरी। इसी तरह से दूसरे पशु का मांस काट करके भी जो मेरी पूजा में आकर के लग जाता है, मैं समझता हूँ कि वो मेरा अपराधी है। ये शास्त्र की दृष्टि से अगर देखें तो स्पष्ट है कि मांस भोजन करने वाले व्यक्ति से प्रभु प्रसन्न नहीं होते।